सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों में। अखिलेश यादव का भाजपा परिवार बोले, सीएम योगी को नहीं पता प्रदेश में कितने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सिर्फ करते हैं तमंचे की बात। शिवपाल बोले, भाजपा ने जनता को धोखा दिया है। कानपुर में कहा, यूपी के मंत्रियों में एक बाबू चपरासी का ट्रांसफर करने की हैसियत नहीं। निकाय चुनाव में अखिलेश ने आजमगढ़ से बनाई दूरी, चुनाव प्रचार के लिए जिलाध्यक्ष और विधायकों को जिम्मा। संजय शेरपुरिया ने गुजरात में भी लोगों को ठगा, नौकरी के नाम पर लिए थे करोड़ों रुपए, आज रिमांड का आखिरी दिन। पीएफआई के 13 संदिग्धों से पूछताछ जारी, आजमगढ़ और जौनपुर में सक्रिय पीएफआई बात करने के लिए करते हैं खास ऐप का इस्तेमाल। मेरठ में साले ने जीजा के सीने में मारी गोली, शादी समारोह में हुई थी कहा सुनी, पत्नी से 4 साल से चल रहा था विवाद। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की थी पति की हत्या, मकान मालिक से था अवैध संबंध, मथुरा पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। लिफ्ट में छात्रा को दिखाया गया चाकू, गाजियाबाद में डरी सहमी कोने में खड़ी रही, बीटेक स्टूडेंट सहित 2 अरेस्ट। बीवी बच्चे ही निकले एसडीएम के ड्राइवर के कातिल, अपने से सीधी उम्र की लड़की से की थी दूसरी शादी। बेटी ने किया मां का अंतिम संस्कार, पैरोल पर तिहाड़ जेल से वृंदावन पहुंची बेटी, फ्रॉड के मामले में जेल में बंद है। नकली नोटों की डंपिंग साइट बना रहा नोएडा, 1 महीने में 6.95 लाख की नकली करेंसी जब्त, दिल्ली और बिहार से हो रही सप्लाई। चित्रकूट गैंगरेप के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, मप्र में पुलिस ने 3 को घर से गिराया। बच्चे का अपहरण करने वाले 4 दोषियों की हुई सजा, अदालत ने लगाया 35,000 का जुर्माना। यूपी से उत्तराखंड तक फैला फर्जी मैरिज ब्यूरो नेटवर्क, टारगेट रोज 5 से 7 लोगों को शादी के नाम पर ठगने का करते हैं काम। अतीक की हत्या पर विवादित ट्वीट करने वाले पर एफआईआर, लिखा अभी नस्ल खत्म नहीं हुई, अतीक का बेटा अली अभी जिंदा है। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष का सीएम पर कटाक्ष, सांसद विधायक से लेकर जिला पंचायत और नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा का कर रहे हैं समर्थन। बंदायू में दुल्हा दुल्हन ने 36 सेकंड में दागे 4 फायर, जयमाल के बाद दोनों ने लाइसेंसी राइफल से चलाई गोली, दुल्हन ने दबाया ट्रिगर। मऊ में मुख्तार अंसारी के सहयोगी पर एक्शन, बाराबंकी एम्बुलेंस प्रकरण में होगी कुर्की की कार्रवाई। इटावा में बसपा नेता ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा निकाय चुनाव में सपा की होगी हार। उन्नाव में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में जीजा साली जख्मी, शादी समारोह होने जा रहा था शामिल।
मुरादाबाद में देर रात युवक की हत्या। आवास विकास फेज 2 में MGR रेस्टोरेंट के पास युवक को 2 गोलियां मारी। बलिया में गंगा में डूबने से युवक की मौत। मुंडन संस्कार में शामिल होने आया था, नहाने के दौरान हुआ हादसा। डीएम ने की बाढ़ आपदा स्टीयरिंग कमेटी की बैठक। पर्याप्त संख्या में नाव और नाविकों व गोताखोरों की व्यवस्था के दिए निर्देश। इंस्टाग्राम स्टोरी पर फोटो लगाने पर छात्रा ने दी जान। परिजन बोले घर से कॉलेज के लिए निकली थी, ट्रेन में हालत बिगड़ने पर मिली जानकारी। आप सांसद संजय सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। बोले मेरठ की सफाई करनी है तो आपको झाड़ू चलानी पड़ेगी। अलीगढ़ में पकड़ा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग। हरियाणा दिल्ली से चोरी करके अलीगढ़ में चला रहा था गाड़ी। अंबेडकर नगर में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष की लाठी से पीटकर हत्या। कई साल से चला रहा था जमीन का विवाद। एनी डेस्क डाउनलोड करा, मोबाइल से उड़ाए रुपए। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर की ठगी। अनजान से सभी शेयर ना करें जानकारी। गाजीपुर में फरार आरोपी के घर पुलिस टीम। मुनादी कराते हुए चस्पा की धारा 82 की नोटिस। हत्या के प्रयास मामले में वांछित था। हापुड़ में पशु व्यापारी के साथ हुई लूट का खुलासा। 3 बदमाश गिरफ्तार। 66,000 की नकदी और 3 अवैध तमंचे भी बरामद। औरैया में आम आदमी पार्टी से नगर पालिका से प्रत्याशी रविकांत वाजपेयी ने किया रोड शो। कहा क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। बदायूं में इस्लाम नगर पंचायत आप प्रत्याशी आयशा परवीन ने घर घर जाकर डोर टू डोर वोट करने की अपील। औरैया में भाजपा प्रत्याशियों ने बाइक शो के माध्यम से दिखाया ताकत। बाइक रैली में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल। बदायूं में केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। कहा हम यहां चुनाव प्रचार ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों के लिए लड़ रहे। बाराबंकी में दबंगों की दबंगई से त्रस्त है पीड़िता। पीड़िता ने परेशान होकर पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। देवरिया में नगर अध्यक्ष प्रत्याशी पर लगा रहे गंभीर आरोप। प्रत्याशी भोला तिवारी के ऊपर फर्जी अंगूठा लगाकर किया मुकदमा दर्ज। बाराबंकी में निकाय चुनाव को लेकर मेहनत जोरों शोरों पर निर्दलीय प्रत्याशी रामशरण पाठक हजारों समर्थकों के साथ किया पंचायत का भ्रमण। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने कार पर स्टंट करने वाले बीटेक के 4 स्टूडेंट को किया गिरफ्तार। हरदोई में आवारा कुत्तों ने झुंड बनाकर बंदर पर बोला हमला। मौत होने तक उस नाचते रहे। वीडियो में हमलावर दिखे कुत्ते। गाजियाबाद में AIMIM पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली ने की प्रेस वार्ता। कहा बसपा पार्टी के प्रत्याशी को कोई बैठाने को तैयार नहीं। हरदोई में 2 पक्षों में ईंट पत्थर चलने का वीडियो हुआ वायरल। एक पक्ष का लाठी डंडे से लैस होकर चढ़ाई का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
कन्नौज में निर्दलीय प्रत्याशी राजीव दुबे ने नगर में किया जनसंपर्क, पत्नी ने भी महिला समर्थकों के साथ किया जनसंपर्क। पीलीभीत में सपा पर बरसे केशव प्रसाद मौर्य, कहा समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे और माफिया आम जनता पर जुल्म करते हैं। रायबरेली में सिरफिरे आशिक का धमकी देने का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आशिक के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। रायबरेली में कोर्ट परिसर पर पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला, घायल पत्नी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। केरल फिल्म को टैक्स फ्री करने पर सपा ने योगी सरकार पर किया वार, कहा दूध दही पर टैक्स लेने वाली योगी सरकार केरल फिल्म को टैक्स फ्री कर रही। अम्बेडकर नगर में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, मारपीट में बुजुर्ग शिक्षक की मौत, फरार चल रहे हत्या आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में भाजपा नेताओं में अंतःकलह, कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक अनिल शर्मा को सड़क पर घेरा। हमीरपुर में संदिग्ध हालात में मिला बुजुर्ग का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी एटीएस ने कानपुर से 8 रोहिंग्या नागरिक को पकड़ा, एटीएस का दावा ये म्यांमार से बांग्लादेश और फिर त्रिपुरा बॉर्डर के रास्ते भारत में घुसे। लखनऊ के सभी हनुमान मंदिरों पर भक्तों की लगी लंबी कतारें, लखनऊ में कई जगह बड़े मंगल के अवसर पर भंडारों का भी हुआ आयोजन। गैंगस्टर बदन सिंह उर्फ बद्दू को बढ़ेगी इनामी रकम, 2.50 लाख से बढ़कर 5 लाख होगी इनामी की रकम, मेरठ का बड़ा गैंगस्टर है बदन सिंह बद्दू। निकाय चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, 11 मई को लोगों से मतदान की अपील। रेलवे पुलिस से हुई मुठभेड़ में लुटेरा घायल, मथुरा जंक्शन के आउटर पर हुई मुठभेड़, चलती ट्रेनों में लूट की वारदात को देता था अंजाम। सहारनपुर में भतीजे ने चाचा की चाकू घोंपकर की हत्या, मच्छरदानी को लेकर हुआ था विवाद, शराब के नशे में मार डाला। कानपुर में घर में धमाका, छत उड़ी, 7 घायल, परिवार ने कहा फ्रिज का कंप्रेसर फटा, फॉरेंसिक को ठीक मिला, विस्फोट रखे होने का अंदेशा। मणिपुर से फ्लाइट द्वारा यूपी पहुंचे 59 छात्र, एनआईटी और आरआईएमएस मणिपुर के सभी छात्रों को मिली फ्लाइट की टिकट। पीलीभीत में बाघ ने किसान पर किया हमला, खेत पर गन्ने की खुदाई करने गया था किसान, चीख सुनकर दौड़े लोगों ने बचाई जान। ललितपुर में दो पक्षों में विवाद के बाद मारपीट, 7 लोग घायल, पीड़ित पक्ष का आरोप पैसे मांगने पर बेरहमी से लाठियों से मारा। सियाना में बोले कांग्रेस प्रत्याशी देवराज त्यागी, कहा नगर में विकास के नाम पर बस टूटी सड़कें, खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट है। नपुंसक कहने पर पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक, 1 साल पहले हुई थी शादी, पीड़िता को घर से भी निकाला। पांच साल के बच्चे को धारदार हथियार से किया घायल, गले और पैर में किए गहरे जख्म, एफआईआर कर पुलिस कर रही जांच।
बरेली में निकाय चुनाव की तैयारी पूरी। 1195 मतदेय स्थलों पर 11 मई को वोटिंग, अर्धसैनिक बल के जवान रहेंगे तैनात। चांदपुर की पूर्व विधायक कमलेश सैनी पहुंची सिकंदराबाद, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रदीप दीक्षित के समर्थन में मांगे वोट। एटा में गो तस्करों से मुठभेड़, दो तस्करों और एक सिपाही को लगी गोली, मौके से चार गायों समेत धारदार हथियार व असलहे भी बरामद। गाजियाबाद में भाजपा के 5 पदाधिकारी निष्कासित, टिकट ना मिलने पर हुए थे बागी, इनमें भाजपा के सामने 4 लड़ रहे हैं चुनाव। फिरोजाबाद में दो दुकानदारों के बीच हुई जमकर मारपीट, मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। अवैध खनन कर रही जेसीबी ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने पकड़ा, एसडीएम बोले किसी भी कीमत पर अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। उन्नाव में पति ने पत्नी की सिर कुचलकर की हत्या, सुबह सोते समय किया हमला, वारदात के बाद आरोपी फरार, 2 हफ्ते पहले हुआ था झगड़ा। धन परिवर्तन कराने के आरोप में 8 पर मुकदमा, 2 हिरासत में, हिंदू जागरण मंच की तहरीर पर पुलिस ने की कार्रवाई। रायबरेली में ट्रक की टक्कर से 7 वर्षीय बालिका की मौत, मौत से परिजनों में मचा कोहराम। केरल स्टोरी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा केरल स्टोरी जो हिंदुस्तान का सच दिखाने का प्रयास हो रहा है। बुलंदशहर में ऑटो की टक्कर से बाइक सवार मजदूर की हुई दर्दनाक मौत, हादसे में 2 अन्य युवक भी हुए घायल। सिंचाई विभाग के एक्सीएन ने फांसी लगाकर दी जान, लखनऊ के आशियाना की घटना, विभाग के अफसर पर प्रताड़ना का लगा आरोप। झांसी में कुएं में गिरकर किसान की मौत, देर रात खेत में पानी लगाकर वापस आ रहा था, परिजन बोले कम दिखता था। पिछहत्तर जिलों की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।